बक्सर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र ओझा की अध्यक्षता में मल्हचकिया हवाई अड्डा बक्सर में हरीश चंद्र शर्मा जी के निवास पर किया गया। बैठक में जिला कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष का चयन किया गया तथा महिलाओं को भी कार्यकारिणी में चयनित किया गया। वो सभी चयनित पदाधिकारी और सदस्यों को सम्मानित किया गया। पार्टी द्वारा जिले में हो रहे खाद की कालाबाजारी, अस्पताल में दवाओं का नहीं मिलना, प्रखंड एवं जिला के दलालों से मुक्त कराने का निर्णय लिया। इसके लिए सभी स्थानों पर धरना दिया जाएगा। उपस्थित लोगों में कार्यकारी जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष मंजर आलम, महासचिव हरीश चंद्र शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आइए जानकारी लेते हैं यहाँ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र ओझा जी से कि यहाँ पे किस मुद्दे पे बैठक रखी गई। सबसे तो पहले ऑनलाइन भारत टीवी में आपका स्वागत है। आज की जो यहाँ बैठक रखी गई है मल्हचकिया चौक पे, किस बात की बैठक? आज कार्यकारिणी की गठन हम कर रहे हैं, इसी के लिए हम बैठक किए हैं। और यहाँ सरकार का जो गलत नीति है, बहुत लोगों का काम नहीं होता है, न ब्लॉक में, न जिला में, न प्रदेश में, इनों की समस्याओं के लिए भी बैठक की गई है। कि मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से पूछा कि आपका और आपके अगल बगल घर के जो लोग हैं उनकी क्या समस्या है, प्रशासन से क्या समस्या है, तो उन लोगों ने बताया कि कहीं राशन कार्ड बन नहीं रहा है, हम लोग का ऑनलाइन किए हैं नहीं बन रहा है, हम लोग को वृद्धा पेंशन जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है, और ये राशन जो है ये भी नहीं मिल पा रहा है जो कि हम लोग का नंबर में आ गया है। तो मैंने उन लोग का आश्वासन किया कि हम वीडियो से, सीओ से, अनुमंडल पदाधिकारी से, क्योंकि हम अनुश्रवण समिति के मेंबर भी हैं बक्सर और डुमराव अनुमंडल के, और यदि यहाँ से आप लोग की समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम जिला में कलेक्टर के यहाँ ले चलेंगे और वहाँ उनसे मिलेंगे कि आप लोग का कार्य हो जाए। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र ओझा, मैं देवपुली गांव का निवासी हूँ और मैं अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। और अभी हमारे साथ एक प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद ओझा जी हैं, और आइए जानकारी लेते हैं। विनोद ओझा जी, आए दिन जिला में भी, बक्सर जिला में हत्या, रेप कांड बढ़ते जा रहा है, क्राइम बढ़ते, इसका आपकी पार्टी क्या कर रही है? इसके पर हम लोग धन्यवाद करने के बोल रहे हैं कि झंडा किया जाएगा और इतने दिन जो कुछ हो रहा है वो निंदा करते हैं हम लोग, और दिन प्रदिन बढ़ते जा रहा है या जानवी बस रहे। सबसे पहले ये है डीलर डीलर जो है शौच मुक्त हो चुका है, अब तो भी अखबार में प्रतिदिन निकलता है कि शौच करने गई और वहाँ से उसके साथ गुंड मार दिया गया, उसका वो हो गया। अभी दो दिन पहले चार वर्ष की बच्ची के साथ में आपको भी पता होगा। हाँ बिल्कुल हुआ है, और इस तरह की घटना हो रही है। आखिर शौच करने को कैसे जाती है? जब शौच मुक्त हो गया तो शौच शौचालय घर में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब शौचालय भी घोटाला है। अभी हमारे साथ एक मौजूद है अजय कुमार गुप्ता जी, और इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ कालाबाजारी किसानों के खासी खिलौते हैं, तो उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? हम लोग कलेक्टर साहब थे यहाँ कुछ दिन, सुभाष चंद्र ओझा जी अध्यक्ष के शिष्टमंडल से हम लोग वहाँ पर भेंट किए थे कलेक्टर साहब से जाकर, और उनमें बात हुआ था। कलेक्टर साहब बोले कि बहुत ही इसमें हम कार्रवाई करेंगे, और कुछ लोग इसमें पकड़े भी गए, और ओझा जी के बहुत ही देन है हमारे अध्यक्ष जी का, बहुत कार्रवाई किया गया, उसमें बहुत लोग पकड़े गए, इसीलिए मैं ओझा जी को अपने जी से और पार्टी की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे सब अभी एक और जो उपस्थित है मंजर हुसैन जी, मंजर हुसैन जी यहाँ पे आए दिन, आप यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और हर रोज देखते होंगे हमारे महिलाएं जो भी हमारे माताएं बहनें हैं उनको कितना पीड़ित किया जा रहा है, और बक्सर सदर का ये स्थिति है कि इलाज के नाम पे भी घोटाला, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी इस पार्टी में जो है केंद्रीय पार्टी हमारी है, इस पार्टी में कोई ये नहीं है स्वस्थ, ये आपका जो है स्वतंत्र नहीं है, कभी भी कुछ भी कोई भी घटना हो जाती है, और सदर हॉस्पिटल में भी व्यवस्था यहाँ की सही नहीं है, लोग कई तरह के शिकायत आ रही है कि दवा कभी वितरण नहीं हो रहा है सही से, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है,
लोगों से पैसे लिया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग पार्टी जो है आगे इस पर कुछ इसके इसके ऊपर हम लोग मेरा डालेंगे और पार्टी मजबूत करके एक बार हम लोग इस पार्टी के साथ लेकर हम लोग यहाँ पे जो है धरना का काम करेंगे। आपका परिचय? प्रीति कुमारी गुप्ता। आपको महिला का जिला अध्यक्ष बनाएंगे, तो आप अपने पार्टी को किस तरह लेके चलेंगे? आप अपने पार्टी को किस तरह लेके चलेंगे, किस तरह विस्तार करेंगे? किस तरह की मदद करेंगे? कोई जरूरत नहीं हो, किसी का प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ये मतलब कि आपको लगता है कि आपको खुद से कि आप मैं सोल्यूशन निकाल पाएंगे? हाँ, निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो? निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो? पार्टी है ना, पार्टी के लोग की मदद मांगेंगे। आपका परिचय? रसिदा पाटिल। आप किस पद पे हैं? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। आप अपने पार्टी के लिए क्या करेंगे? हम अपने पार्टी को एकजुट करेंगे, जो भी उनकी परेशानी हो, जैसे मान लीजिए किसी पे जुर्म हो रहा, बेटी बहन बेटी बहन पे, किसी का घर में शौचालय नहीं है, जैसे घर पास नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग मदद करेंगे। आज आज आप ही की महिला जो है, आपके माता बहने जो भी हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, कुछ ऐसे भी दलित बस्ती है जो कि दलितों को दबाया जाता है, शोषण किया जाता है, उसके लिए आप अपने पार्टी से क्या गुहार लगाएंगे? अभी मैंने बात किया है डॉक्टर सुभाष चंद्र ओझा जी से और ऑनलाइन भारती जी से। डॉक्टर बक्सर ब्यूरो चीफ राकेश पांडे की रिपोर्ट।